अल्लाह रहमान रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आपके नाम पे कोई सिम कार्ड निकाल ले तो आपके साथ क्या होगा, और अगर कोई आपके नाम पे सिम कार्ड निकाला हुआ यूज़ कर रहा है तो आपको उसको बंद कराना है कि नहीं कराना है, इससे कोई फ़ायदा है बंद कराने से या फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर सऊदी अरब में 95% खारजियों के साथ अक्सर ये फ्रॉड होता है। जब वो सिम कार्ड लेने किसी शॉप पर जाते हैं तो शॉप वाले बोलते हैं आपका फिंगर नहीं लग रहा है, आपकी OTP काम नहीं आई, एक्सपायर हो गई, रिजेक्ट हो गई, ये वर्क नहीं कर रही है, फिर से OTP दीजिए वगैरह वगैरह करके आपके नाम पे 4-5 सिम कार्ड वो निकाल लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भाई लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, और उनके साथ ये हमेशा सबके साथ ही समझिए लगभग सभी के साथ हुआ होगा कि सिम कार्ड कोई और चला रहा है आपके नाम पर। सबसे पहले कोई आइडियो सुनिए, उसके बाद फिर हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे, सिम कार्ड क्लोज कैसे होती है, इसको बंद करने का तरीका पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले पे आइडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई यार मेरे पे एक टेंडर बैन लगा है, मुझे पता नहीं था मेरे नाम पे सिम निकला हुआ है। मैं एग्जिट लगवा रहा हूँ तो वो टेंडर बैन दिखा रहा 10 साल का, जैसे अगर मैं जाके मोबाइल का अगर पूरा बिल पे कर देता हूँ तो टेंडर बैन मेरा हट जाएगा, या फिर कितने दिन में हटेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? आपने आइडियो सुन लिया। एक भाई है जिनके नाम पे सिम कार्ड निकाली गई और ये पोस्टपेड सिम कार्ड निकाली गई मोबाइल की, और यहाँ तक कि पोस्टपेड सिम कार्ड थी यानी इस पर लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसका बिल तो जाहिर सी बात है जिसका काम है उसके ऊपर आएगा, और इन भाई का 10 साल का ट्रैवल बैन लगा। आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, सबसे पहले तो आपको कैसे सिम कार्ड चेक करना है बहुत ईजी प्रोसीजर, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, आप वहां से वीडियो को क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें प्रोसीजर बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सिंपल आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, आपके अकाउंट में कितनी सिम कार्ड है बहुत ही ईजी प्रोसीजर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बंद कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डाल रखा हूँ, आप उसको क्लिक कीजिएगा कि हाउ टू सिम कार्ड क्लोज, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो है 50% चांसेस होते हैं, ऑनलाइन पे अगर हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सिम कार्ड तो बंद हो गया था, तो अभी कुछ भाइयों के मैसेज आए थे कि सिम कार्ड अब बंद नहीं हो रहा, तो वो वीडियो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको 50% चांसेस है बंद हो जाए तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके नाम के सिम कार्ड बंद नहीं होती आपसे, आप जबकि पूरा डाटा आप सबमिट कर दे सब कुछ क्लोज कर देते हैं, अगर बंद हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बंद होती है तो सीधा आप लोग अगर मोबाइल की सिम कार्ड है तो मोबाइल की ऑफिस, जैन की है तो जैन की ऑफिस, अगर STC की सिम कार्ड है तो STC की ऑफिस, जिस कंपनी के सिम कार्ड आप उनके मकतब में जाना है सिंपली आप उनको अकामा दीजिएगा, बोलिएगा मेरे नाम पे कितनी सिम कार्ड है, वो लोग चेक करके बता देंगे, और एक सिम कार्ड के शायद 10-15 रियाल या इसे कुछ समथिंग चार्ज करेंगे, या हो सकता है फ्री हो कॉस्ट आपकी सिम कार्ड बंद कर दें, अपनी सिम कार्ड आप बंद करा दीजिए, बहुत ईजी प्रोसेस है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी कि अगर आपके नाम पर सिम कार्ड है तो उसको किस तरह बंद करें, और जिन भाइयों के नाम पर सिम कार्ड है सबसे पहला काम है कि आपको जाकर अपनी सिम कार्ड बंद करना, क्योंकि जिस तरह ये भाई बेचारे फंसे हैं, 10 साल का ट्रैवल बैन भी लगा है, उसके बाद इनको पैसा भी भरना है, तो सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए। मैंने दोनों वीडियो के लिंक डाल दिया हूँ कि आपके नाम पे किस तरह सिम कार्ड है ये चेक करना है, उसको बंद कैसे करना है ये भी वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर नहीं बंद होता है तो जाओ मकतब में जाके जिस कंपनी की सिम कार्ड है वहाँ से बंद करा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाइयों के साथ कि उन लोग के साथ भी इस तरह का फ्रॉड ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।